हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी। गाइज, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है विंड सॉक। आज हम जानेंगे विंड सॉक के बारे में। हम जानेंगे विंड सॉक क्या होता है, विंड सॉक का यूज़ क्या है, इसका पर्पस क्या है, और हम जानेंगे विंड सॉक से विंड स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विंड सॉक क्या होता है। अगर हमें विंड सॉक को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो अ विंड सॉक इज अ कॉनिकल टेक्सटाइल ट्यूब दैट इंस्टॉल्ड विथ एन एल्युमिनियम स्टैंड एट हैजार्डस एरिया। यानी विंड सॉक एक कॉनिकल शेप का टेक्सटाइल ट्यूब होता है जो कि किसी एल्युमिनियम स्टैंड से इंस्टॉल होता है एक हैजार्डस एरिया में। आपने काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में या एयरपोर्ट पर ऐसा कॉनिकल टेक्सटाइल ट्यूब देखा होगा। ये कॉनिकल शेप में होता है, ये कपड़े का बना होता है, तो इसे हम विंड सॉक बोलते हैं। आपने काफ़ी जगह पर देखा होगा, तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। पर्पस ऑफ विंड सॉक, विंड सॉक का पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसे हम क्यों इंस्टॉल करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है विंड डायरेक्शन। विंड सॉक हम इसलिए इंस्टॉल करते हैं ताकि विंड का डायरेक्शन पता कर सकें। विंड सॉक 360 डिग्री पर रोटेट करता है, तो जब भी एयर फ्लो करता है उस डायरेक्शन में ही रोटेट करता है, तो इससे पता चलता है कि विंड का डायरेक्शन क्या है। सेकेंड है विंड स्पीड। इससे हम विंड स्पीड का भी पता लगा सकते हैं कि विंड कितने स्पीड में फ्लो कर रहा है। तो ये कैसे पता करेंगे, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। हाउ टू कैलकुलेट विंड स्पीड, अभी हम जानेंगे विंड स्पीड कैसे कैलकुलेट करना है। इससे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड साइज जानेंगे। ये दो अलग अलग स्टैंडर्ड साइज में आता है, जिसका स्टैंडर्ड है ICAO एनेक्चर 14 UKCAA। इसका पहला साइज है, लेंथ है 12 फीट और थ्रोट का डाया है 36 इंच। थ्रोट में आपको लार्जर थ्रोट लेना है। सेकेंड है लेंथ 8 फीट, थ्रोट है 18 इंच। तो ये दो अलग अलग स्टैंडर्ड साइज में आता है। विंड स्पीड हम इस कॉनिकल शेप से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कॉनिकल शेप में 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये अलग अलग 5 पार्ट्स में जो कि कलर से डिवाइड किया गया है, तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। अगर विंड की वजह से विंड सॉक फर्स्ट पार्ट से बैंड है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आप फिगर में, तो इसका स्पीड होगा 3 नॉट्स, 5.5 किलोमीटर पर आवर, 3.5 माइल पर आवर, 1.5 मीटर पर सेकेंड। और अगर विंड की वजह से विंड सॉक सेकेंड पार्ट से बैंड है, जैसे कि फिगर में देख पा रहे हैं, तो इसका स्पीड होगा 6 नॉट्स, 11 किलोमीटर पर आवर, 7 माइल्स पर आवर, 3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अगर विंड सॉक थर्ड पार्ट से बैंड है विंड की वजह से, तो इसका स्पीड होगा 9 नॉट्स, 16 किलोमीटर पर आवर, 10 माइल्स पर आवर, 4.5 मीटर पर सेकेंड। अगर विंड सॉक विंड की वजह से फोर्थ पार्ट से बैंड है, तो विंड का स्पीड होगा 12 नॉट्स, 22 किलोमीटर पर आवर, 14 माइल्स पर आवर, 6 मीटर पर सेकेंड। अगर विंड सॉक विंड की वजह से स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो विंड का स्पीड होगा 15 नॉट्स, 28 किलोमीटर पर आवर, 17 माइल्स पर आवर, 7.8 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप इजीली मेजर कर सकते हैं विंड का स्पीड क्या है और विंड का डायरेक्शन क्या है। विंड के स्पीड के लिए आपको ये देखना है किस पोजिशन से बैंड है और उसके अकॉर्डिंग उसका क्या विंड स्पीड होगा, चार्ट में आपको मैच करना है। आई होप कि आप समझ पाएंगे विंड सॉक क्या है, इसका यूज़ क्या और विंड स्पीड को कैसे कैलकुलेट करना है। So thank you for watching, thanks.